1 जुलाई को देश भर में राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया गया। गौरतलब है कि राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। कोरोना काल में यह विशेष दिन सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को समर्पित है जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा कि डॉक्टर डे पर हम सभी डॉक्टरों को बधाई देते हैं। इस कोरोना काल में हम सभी डॉक्टरों ने मिलकर इस कोरोना की लड़ाई को लड़ा। कोरोना की पहली वेव को चिकित्सकों ने बखूबी लड़ा और दूसरी वेव को भी हराया। इस दौरान हमारे डॉक्टर रात दिन लोगों की सेवा करते रहे और हमारे साथ इस कोरोना वायरस की चपेट में आकर जान गंवा दिए। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने लोगों से कहा, आप लोग डॉक्टरों का सम्मान करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल और सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आज डॉक्टर्स डे है, 1 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह दिन डॉक्टर बीसी राय का जन्मदिन भी है और आज के दिन ही उनका निर्वाण भी हुआ था, तो इसलिए हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। डॉक्टर बीसी राय बंगाल के एक बहुत अच्छे फिजिशियन रहे हैं, चिकित्सकों के लिए बहुत काम किया और उसके पश्चात वो राजनीति में भी गए और आज तक उनके जैसा चीफ मिनिस्टर राजनीति में नहीं हुआ है। उन्होंने चिकित्सकों के लिए भी वो किया और शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों की ही दृष्टि से उन्होंने बहुत बहुत काम किए हैं, इसलिए आज के दिन हम लोग डॉक्टर्स डे मनाते हैं। सर, देखा जाए कोरोना काल में डॉक्टरों का बहुत अहम योगदान है, क्या कहना चाहेंगे? कोरोना काल में डॉक्टर्स ने अपने जी जान लगा के काम किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि चिकित्सक 24 घंटे हमेशा उसमें लगा रहा है। बहुत से चिकित्सक अपने घर नहीं गए, वहीं पर रहे क्योंकि घर के और लोगों को भी इस तरह का कोरोना ना हो जाए, इसलिए वहीं हॉस्पिटल में रह के उन्होंने पूरी सेवा की है। जरूर इसमें हमारे बहुत से चिकित्सकों का मृत्यु भी हो गई है, बहुत से चिकित्सक, उसके बावजूद भी हम चिकित्सकगण पूरी तन्मयता से मरीजों की सेवा में लगे रहे हैं। आज डॉक्टर्स डे पर हम सभी डॉक्टरों को बधाई देना चाहते हैं। इस कोरोना काल में हम सभी डॉक्टरों ने मिल करके इस कोरोना की लड़ाई को लड़ा। पहली वेव्स को हम लोग बखूबी ख़त्म किए, दूसरी वेव को भी हम लोग शांत कर रखे हैं। इस दौरान हमारी डॉक्टर्स रात दिन इस विषम परिस्थितियों में लोगों की सेवा करते रहे, लोगों का इलाज करते रहे, जिसमें बहुत सारे हमारे डॉक्टरों ने भी जान गंवाई। उन डॉक्टर्स को, उनके आत्मा को शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और हम भविष्य में भी हम सभी डॉक्टरों को बधाई देते हैं कि हमें इस कोरोना की जंग को लड़नी है, समाज को सुरक्षित रखना है, देश को सुरक्षित रखना है, तो आप खुद ही सुरक्षित रहिए और समाज और देश को सुरक्षित रहने की कोशिश करिए।